प्यारे दोस्तों, जैसे कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ हाउ टू बिहेव विद कस्टमर इन एनी शॉप। हमें कस्टमर से ऐसा बिहेव करना चाहिए कि उसे अपनापन महसूस हो हमारी दुकान में। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हमें कस्टमर को इतनी फैसिलिटीज देनी चाहिए कि कस्टमर के मन में कुछ ऐसी बात ही ना हो कि मैं कोई ओपरी जगह पर आया हूँ। किसी भी तरह का कुछ उसके दिल में कहने की बात ही ना बचे। जैसे कि कह लो कि उसने कहा है मुझे सर प्रिंट आउट लेने हैं, या अगर कोई ऐसी शॉप है, कपड़े की शॉप है हाँ या कि प्रिंटिंग की शॉप है, कुछ भी है नहीं वे। अब उसने कहा मुझे सर प्रिंटिंग चाहिए। हमने उसे कहा ये सर सिस्टम प्रोवाइड किया है, यहाँ बैठो, अपना ओपन करो, एक हेल्पर साथ में बिठा दो। ठीक अगर तो वो खुद कर सकता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं कर सकता तो एक हेल्पर ऊपर छोड़ दो। हर तरह का मतलब कस्टमर को इतना एक बेनिफिट मिले कि उसे अपना पैन महसूस होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, स्पीक विद लव। कस्टमर के साथ इतना मीठा बोलना चाहिए कि सबसे पहला पॉइंट तो कस्टमर को जी कहे, हाँ जी सर काम बताएं। अगर तो वो खुद करता है ठीक है, नहीं तो हम तो है ही। थर्ड पॉइंट, डीप केयर ऑफ कस्टमर। कस्टमर की हमें बहुत केयर करनी चाहिए सर, उसे कैसे कैसे ऐसे सर कि मतलब उसे हमें हर वे से पूछना चाहिए सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको। जो कोई आप एग्जांपल बताइए कैसे केयर करें। मीन्स आपने कहा कि जैसे कोई छोटी सी बात हो जाती है। जैसे कस्टमर से सर हमारी छोटी सी बिल्कुल छोटे से व्यू के ऊपर सर अटक जाता है हाँ जी कि नहीं यार मुझे ये पसंद नहीं है। ठीक है अब उसे हमने कैसे उसी वे में लाना है उसकी सोच में। बिल्कुल हम सर उसे सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि तुझे क्या पसंद नहीं आया जो तू मेरे से इतना वो कर रहा है। ठीक ठीक अभी ठीक कल की परसों की बात है सर, मेरी शॉप पर एक लड़का आया पटेल कॉलेज का, बिल्कुल दो बायोडाटा बनवाया उसने, बिल्कुल एक मॉडिफाई करवाया एक नए सिरे से बनवाया। ठीक मॉडिफाई भी बनाना ही हो जाता सर, ठीक वो कहता मैंने एक बनाया एक तो मेरा बना हुआ था ऑलरेडी पहले से बिल्कुल ही। बिल्कुल बिल्कुल बल अब मैंने उसे कहा कि ये तेरा मॉडिफाई हुआ है तो बना तो यही है सारा। सही बात मैंने उसे कॉस्ट मांगी 40 रुपीज, ठीक जिसमें उसने 10 10 कॉपीज निकलवा ली, वो भी नहीं बताया। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, सही बात मैंने उसे 40 रुपीज कॉस्ट बताई, मैं 40 हो गए। कहता नहीं यार मैंने तो एक बनवाया है। बिल्कुल मैंने इस छोटी सी बात को अपने अंदर ही रख लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं कि बिल्कुल तेरे जेब में जितने दे दे कोई दिक्कत नहीं। 20 दिए उसने, वो खुश था। उसके बाद बिल्कुल पहले बिल्कुल अड़ रहा था हर बात के लिए, ये है वो है। बिल्कुल मतलब हमें ऐसे कई बार अपने आप से भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बिल्कुल सोचना पड़ता है कि नहीं यार इसका इसका मन जैसे खुश है, क्योंकि उसे हमने दोबारा भी अपने साथ चैन में बना के रखना है। बिल्कुल अगर हम उस छोटी सी बात के ऊपर उससे वो हो जाते एक बारी बिल्कुल 20 रुपीज के पीछे, वो हमारा कस्टमर टूट चुका था। टूट चुका था। बस इसी तरह से सर साइकोलॉजी ऑफ मनी। और हमें सर कस्टमर को इस वे से, सबसे बड़ी टेंशन कस्टमर को पैसे की होती है सर, बिल्कुल बिल्कुल हमें भी पैसे की होती है कि लेने हैं इनसे, है बिल्कुल बिल्कुल ना। बिल्कुल तो हमें उस वे से ही लेने चाहिए जिस वे से वो देने आया है। और कुछ कंप्रोमाइज ऐसा भी होता है जो अपने आप से भी करना पड़ता है। कुछ डिस्काउंट डिस्काउंट भी लगा लो कि कुछ उसकी भी सुननी पड़ती है हमें, बिल्कुल क्योंकि वो बल्क में काम लेके आया, हमारे पास 5,000 कॉपी आई है या कुछ भी हम कपड़ा बेच रहे हैं और काफी क्वांटिटी में ले रहा है। बिल्कुल हमें पता है इसमें 10 या 15% मार्जिन है, कभी हम 30% भी कमाते हैं और 10 15% भी दे देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल उसमें ये है कि वो ग्राहक अपने से बढ़ के ग्राहक को लाएगा। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से सर हमें कस्टमर की केयर भी करनी चाहिए और बिल्कुल कस्टमर को सारा आउटव्यू भी देना चाहिए बिल्कुल हमारा बिल्कुल अपना। ओके थैंक यू ओके सर, थैंक यू।